हाँ भाई, क्या हाल है? स्वयं प्रमोद यादव और वेलकम बैक टू चैनल। और मैं अभी आया हूँ यू में होंडा गुड़गांव में, जो कि सेक्टर 18 में भाई। और ये है अपने पास न्यूली लॉन्च्ड होंडा साइन 100 CC। तो ये बाइक कैसी है, क्या चेंज है, और 2023 में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा चेकआउट करेंगे, नए हो तो सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, वहाँ पर रील्स वगैरह मिलेगी आपको तगड़ी तगड़ी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. तो ये खड़ी मेरे सामने होंडा साइन 100 CC, एंड इसकी की बात कर ले तो ये ऐसी कुछ की मिलती है इसमें आपको, सिंपल सी जो कि आपकी आती है स्प्लेंडर वगैरह में, उसी टाइप की लाइट वेट से की है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट से। स्टार्ट करते हैं इसके सामने से, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस से। तो 65,000 पड़ती है आपको एक्स शोरूम ये, और गुड़गांव में पड़ती है ऑन रोड ये 75,500, मतलब तो 75,000 की पड़ेगी अब आपको ये होंडा साइन 100 CC। और भाई मतलब जिनको एक कम्यूटर बाइक चाहिए, जिसको माइलेज वगैरह चाहिए और कंफर्टेबल बाइक, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है स्प्लेंडर वगैरह, और ये HMDLX का कॉम्पिटिट रहेगी। तो फ्रंट से बात कर ले, फ्रंट फेस कुछ ऐसा मिलता है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा HMDLX जैसा ही लगा मेरे को, सही बताऊँ ना दिखने में। और ब्लैक कलर है ये, और इसमें आपको रेड ग्राफिक्स मिलेंगे, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेंटर में यहाँ पे आपको ये फुली ब्लैक मिलता है, थोड़ा वाइड सा यहाँ से फ्रंट फेस थोड़ा सा वाइड लगता है। यहाँ पे हेलोजन लाइट मिल जाती है फ्रंट में, और हेलोजन इंडिकेटर देखने जाते हैं ऑरेंज में। ये वाइट कर देते तो और सही लगते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह प्लेस कर सकते हो आप। साइड में आपको रेड और थोड़ा डार्क रेड एंड ग्रेस कलर का ग्राफिक्स देखने मिल जाता है, काफ़ी सही लग रहा है। टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं फ्रंट में आपको, और यहाँ पे ब्लैक मडगार्ड मिल जाता है, मैट में मिलता है, मतलब ये ग्लोसी नहीं मिलता ये सेक्शन। और क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसेंट क्वालिटी मिलती है आपको यहाँ पे। रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है साइड में, और एलोइस मिलते हैं आपको इस मॉडल में, मतलब सही है, एलोइस सही लगते हैं ब्लैक कलर में। और स्पोक्स टाइप के व्हील है, और स्पोक्स एलोई व्हील मिलते हैं। MRF के टायर देखने मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, ट्यूबलेस नहीं है यहाँ पे, आपको ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलेंगे भाई, तो ये एक दिक्कत है। ट्यूब वाले ही टायर देखने को मिलेंगे आपको, और 17 इंच इसके टायर देखने मिलेंगे आपको यहाँ पे। MRF के टायर है तो ग्रिप तो काफ़ी सही रहेगी इसकी। एंड यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी फ्रंट में भी रियर में भी, डिस्क का कोई सीन नहीं क्योंकि 100 CC की बाइक है वैसे, तो ब्रेकिंग ठीक ठाक रहेगी यहाँ पे। और कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है आपको CBS, तो ये चीज़ सही है सेफ्टी के लिए। अब बात करते हैं इसके साइड लुक की, साइड से कुछ ऐसी लगती है नैरो बहुत लग रही है, मतलब 125 थोड़ी सी हैवी लगती थी, थोड़ी नैरो है उससे। तो यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाता है फ्यूल टैंक पे, सही लग रहा है ग्राफिक्स। एंड ये ब्लैक ग्लोसी कलर है, काफ़ी मतलब शाइनी है, वॉश करो तो सही चमक जाएगी। ये हेलमेट की वगैरह सेफ्टी वगैरह है कि हेलमेट पहनो राइड करते हैं। E20 मतलब मिलती है यहाँ पे, OBD2 वर्जन मतलब BS6 का सेकेंड वर्जन मिलता है आपको यहाँ पे। 20% इथनॉल, 80% पेट्रोल पे चलेगी, और सही है ये चीज़। और अब ये मतलब ये कम पोल्यूशन करेगी, थोड़ी और रिफाइंड स्मूथ इंजन रहेगा इसका। और यहाँ पे 9 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने मिलेगा आपको, ठीक है नैरो है बहुत। यहाँ पे ग्राफिक्स मिलते हैं रेड और ये ग्रे ब्लैक, ये थोड़ा सिल्वर टाइप का, ये ग्राफिक्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड तक जा रहे हैं, सही लग रहा है ग्राफिक कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ सूट कर रहा है। एक इसमें ब्लैक कलर भी आता है, वैसे 5 कलर आते हैं इसमें। और यहाँ पे हॉर्न मिलते हैं, मैं सुना दूँगा आपको। बात करते हैं मेन इसके इंजन की, तो 98.98 CC का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने मिल जाता है आपको। और पावर आउटपुट की बात करें तो ये आपको 7.2 HP की पावर देता है, और 8.5 Nm का टॉर्क। तो मतलब ठीक है यार, इस बाइक में कम्यूटर बाइक है, पिकअप वगैरह कहाँ चाहिए आपको, तो स्मूथ चलेगी। वैसे थोड़ी बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। 4 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है, और फुट पैग्स कंफर्टेबल है, फ्रंट फॉरवर्ड ही है, ज़्यादा पीछे नहीं है, कंफर्टेबल बाइक है, कंप्यूटर बाइक है। ये साइड स्टैंड इंजन का तो फीचर साइड से मिलता है, डुअल स्टैंड देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे साइन की ब्रांडिंग मिल जाती है ग्राफिक्स के साथ, साइड काउल पे काफ़ी सही लग रही है। अब हैंडल बार की बात करूँ, अपराइट पोस्चर है, मिरर अभी लगाने रखे, बट इसके मिरर सही है, विजिबिलिटी सही रहेगी। तो अपराइट हाथ में कोई पेन नहीं होने वाला आपको यहाँ पे। वेट मल्टीपल क्लच है, थोड़ी सी हार्ड है बट बाकी लाइट है, पेन नहीं होगा, कंफर्टेबल है। ये ब्रेक लीवर बहुत सॉफ्ट है ये भी, और कि मैंने आपको दिखाई दी है यहाँ पे। हाँ ये देखो, पास का बटन मिलता है, हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर वगैरह कुछ ऐसे मिलता है, हेलोजन मैंने आपको बताया। और यहाँ पे सिंगल होना ऐसे लाउड मिलता है, और साथ साथ आपको किक के साथ जो है किक ये आपकी
और यहाँ पे आपको सेल्फ भी देखने मिलता है। तो ये मीटर मिलता है आपको यहाँ पे एनालॉग, यहाँ पे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ये आपको फ्यूल गोज दिखाती है। फुली एनालॉग मीटर मिलता है, डिजिटल सेक्शन कोई नहीं मिलता आपको। न्यूट्रल इंडिकेटर दिखाते हैं आपको यहाँ पे, इंजन वाल फंक्शन और ये लाइट वगैरह के इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये की होल है और मतलब क्वालिटी सही, यहाँ पे मेटल पार्ट मिलता है और लंबी सीट मिलती है, कंफर्टेबल कम्यूटर बाइक मैंने जैसे बताया, तो लॉन्ग राइड करो, सिटी राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। पैडिंग सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है और राइडर प्लेन दोनों के लिए सिंगल सीट है, कम्फर्टेबल है। यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल मिलता है पीछे पिलन के लिए, सिल्वर कलर में सही है, काफ़ी अच्छी ग्रीफ है। यहाँ पे पीछे तरफ आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, थोड़े से स्टीफर साइड ही रहेंगे बट कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको ये साड़ी गार्ड वगैरह लग सकते हो, पीछे पिलन के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, लेडीज़ वगैरह के लिए सही है। यहाँ पीछे की लुक देख लो कुछ ऐसी मिलती है आपको, पीछे से ये हेलोजन लाइट मिलती है, पीछे आपको यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाता है और मड गार्ड पूरा बड़ा मिलता है। यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट लगा सकते हो आप और ये देख लो पीछे से कुछ ऐसी लुक आती है साइड से, सही लग रही है बाइक, ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। पीछे का टायर आपको 3 का मिल जाता है, 3.06 इंच का, ये पैटर्न देख लो कुछ ऐसा मिलता है। ऑफ रोडिंग में भी थोड़ा काम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मिट्टी वगैरह में चलाओ खेतों वेतों में सही चलेगी। एग्जॉस्ट पतला सा है सिलिक सा, सिल्वर कलर के आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है ऊपर ये, और काफ़ी सही है, मतलब पतली सी लगती है बाइक, एग्जॉस्ट भी नैरो साइज़ का। और यहाँ पे ESP मिलता है आपको, एनर्जी स्मार्ट पावर मिल जाता है आपको देखने को, और किक तो मैंने आपको बताई थी, ब्रेक लीवर कुछ ऐसा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मिल जाता है 168mm का और 785mm के सीट हाइट मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको FI देखने को मिल जाता है इस बाइक में। तो माइलेज वगैरह की बात करूँ तो ये मतलब 70-75 कुछ क्लेम कर रही है, इतनी दे देगी, और बाकी राइडिंग पर डिपेंड करता है, वो सही दे देगी। टॉप स्पीड की बात करूँ तो मतलब 70-80 भी सही चलेगी, 90 तक आप खेच सकते हैं इसको, बाकी काफ़ी सही लग रही है दिखने में, ओवरऑल बढ़िया लग रही है। सो गाइस ये देख लिया आपने होंडा की नई साइन 100cc, तो कैसी लगी बताना कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बाइक चेकआउट करनी तो होंडा शोरूम से टेकन गुड़गांव में आ जाना और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलो तब तक खुश रहो, बोल लो बाई।